सो गाइस यहां पे कॉपनेट का फेस रिवील हो रहा है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी का सीन क्या है, अभी कॉपनेट का कोई जानने वाला आ रहा है, उन्हें लेके आना है, तो जल्दी से चलते हैं। मेरे ख्याल से वो आगे चौक पे खड़े हैं, जल्दी से उनको लेके आता हूँ और आगे की बातें करते हैं रस्ते में, ठीक है। वैसे तो मैं किसी और काम से जा रहा था, पर एकदम ही पता लगा कॉपनेट का कोई फ्रेंड आए हुए हैं। कॉपनेट का कोई भाई आराम से कैसे सीधे यहीं कहीं पे खड़े हैं, इनकी लोकेशन तो यहीं कहीं पे बता रही है, चली तो जाएगी, जाने में कोई दिक्कत नहीं। ओए भाई है बढ़िया, अभी जाएंगे कैसे मेरे को? हाँ तो जाने का मैं सॉल्यूशन देखता हूँ ना, आओ ना गली गली से चलेंगे। तो भाई इनसे मिलो, इनका तो मैं अच्छे से जानता हूँ, शायद ये जानते नहीं जानते। ब्लॉग देखा था मैं। ओप्रो कैमरा ऊपर लगना चाहिए ना, तो नीचे का? नहीं नहीं मैं नीचे लगता है ये। अच्छा। ये स्प्लेंडर कहाँ दिखेगा फिर, स्प्लेंडर इस वजह से। मैंने अभी आप जस्ट अभी कुछ दिन पहले आपको ब्लॉग भी देखा था, वो वाला कौन सा जो आपने कार में मतलब सबको कम्बल अम्बल शायद कुछ दिया था? हाँ वो पूरा ब्लॉग मैंने कमेंट भी किया था आपके ब्लॉग पे। क्या फिर ले लिया कैमरा मैंने? यही वाला गोप्रो ही दिलवाया भाई ने। मैंने वो देखा था वो चीज। हाँ तुम दोनों भाइयों का आवाज तो सेम ही है। हाँ हम दोनों का सेम है। जब मैं स्ट्रीम पे या तो कॉपी बना रहा है नहीं, या फिर ये बना रहा है नहीं। हमारे घर में दर्शन ले लो जरा से, मेरा फैमिली के साथ मीटिंग था। अच्छा अच्छा आप यहाँ पे कोई काम से आए थे? सो गाइस यहाँ पे कॉपनेट का फेस रिवील हो रहा है। आप लोग को फेस बहुत जल्दी दिखा देगा, बहुत जल्दी दिखा देगा, ठीक है। तो चैनल पे जा रहा है भाई की, अच्छा मेरे भी कम सब्सक्राइबर पर जितने भी है जाना है, ठीक है। चलो भाई को भी सपोर्ट करें ऐसा। तो भाई भाई को जो जानता नहीं हो जान लो। अब बॉडी देख लो भाई भाई की, थोड़ा बराबर हो जाएगा। ये लो आपकी थंबनेल डल जाएगा अब आपका, अब आपका थंबनेल डल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई यही मिलने आए थे, इनको लेने गया तो वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया होगा आपको, और दोबारा मिल लो भाई से। हेलो पीपल्स। चलो फिर भाई को छोड़ के आते हैं, इनकी गाड़ी वाड़ी बाहर ही खड़ी है, इनको छोड़ के भी आना है। इतनी देर से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी मीटिंग बात चल रही थी, थोड़ी मीटिंग चल रही थी, इनकी पर्सनल मीटिंग चल रही थी। बहुत बहुत मजा आया। अरे बिंदास यार तू बोले जब बोले। नहीं मेरे को चांस दो बस, तुम मेरे को कुछ तो दो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा मुझे कुछ चाहिए, मुझे मौका चाहिए बस, स्टार्टिंग चाहिए। देखो बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन भूल मत जाना वो। नहीं मेरे को भूल जाओ ना, तुमको कॉल कर, मेरा नंबर है ना तेरे पास। अब ब्लॉग में ब्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ मैं अभी आपको? नहीं मैं ब्लॉगिंग करता रहूं। दूसरा उसका है ना ब्लॉगिंग का चैनल है ना ब्रो, तू 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 फोकस कर रहा है। देख मेरी बात सुन तू। सो गाइस अपना हेलमेट उठाते हैं, थोड़ा मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा भाई। हो सकता है तो तू सूरत में करने के आएगा, मेरे से मिलने ही आएगा, और क्या वैसे सूरत में है नहीं कुछ। अच्छा और फोन कर मेरे पर बिंदास, टेंशन है नहीं रे, तू रेडी है, वाटर रेडी हो जाएगा तेरा 2 दिन के अंदर, उसका टेंशन मत ले। सो गाइस अभी थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं, कि बातें होने के बाद भाई को छोड़ के भी आना है। हाँ आप कुछ ना बोलो, बातें होने के बाद भाई को छोड़ के भी आना है। कर लो भी जितनी बातें करनी है। चल मेरी जान, चलो टेक केयर। ओके ओके भाई, बाय बाय, देखना मेरे बारे में भी, क्योंकि मैं कोऑपरेट से इतना बोलता नहीं इसलिए आपसे बोला है, ठीक है ना। बैठो बैठो आराम से बैठो, चलो बाय बाय। ओके भाई आराम से जाना, आराम से जाना, ठीक है, आराम से छोड़ के आ जाना, ठीक है। ओके भाई हम भी चलते हैं। बड़ा मजा आया भाई इनसे मिलके, इनसे मिलके भाई काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पॉजिटिव इंसान है और काफ़ी अच्छे बंदे हैं। बार बार नहीं मिलते ऐसे बंदे देखने को, बार बार ऐसे बंदों से बात नहीं होती। कि भाई घर वर चलते हैं, आज सुबह से तुम्हारा भाई पबजी भी नहीं खेला है, अब थोड़ी देर पबजी अबजी खेलेंगे। कॉपनेट अपने नीचे इनका चैनल भी अटैच कर रखा है, तुम वहाँ से इन्हें अच्छे से देख सकते हो कौन है, तो अच्छे से जानकारी मिल जाएगी तुम्हें कौन है, ठीक है। इनका इनका पर्सनल बूट कैंप भी है, जो भाई आए ना इनका पर्सनल बूट कैंप भी है, इन्होंने बंदे भी हायर कर रखे हैं, तो हमने भी भाई से बोला है हमें भी एक बार आजमा के देखना, क्या पता हम भी कामयाब हो जाए आपके बूट कैंप के लिए। वैसे भाई शाम होते ही भाई दिल्ली में ठंड बढ़ जाती है यार, इनको लग रही होगी क्योंकि भाई ये जैकेट भी पहन के नहीं आए थे ना भाई। ओ भाई भाई बच गया है, कुत्ता एकदम ही बीच में आ गया था भाई साहब। तो भाई घर पे भी आ गए हैं, कुछ खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद थोड़ी देर बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो गाइस जैसा कि बता दूं रात के 10:30 बज चुके हैं, और भाई आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, खाना वाना खा लिया है
और खाना वाना खा के आज भाई बहुत तेज आ रही है नींद, और जाता हूँ और जाके सोता हूँ और मिलता हूँ इसी तरह एक नए ब्लॉग में। हमारी मम्मी जी तो गाने सुन रही है भाई मैथिली ठाकुर के। मम्मी मैथिली ठाकुर की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि वो हमारे गांव से ही बिलोंग करती है ना, मिथिलांचल की है ना, इस वजह से उसकी लैंग्वेज भी हमारे जैसी है सेम। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टाटा।